गाड़ी की स्टेबिलिटी जो है वो अच्छी है, गाड़ी अच्छी ग्रिप बनाती है हायर स्पीड पे। जो कि एक अच्छी बात है, हमने ब्रेक को एंगेज किया, ब्रेकिंग इस गाड़ी की जबरदस्त है, जो बाइट है वो ऊपर ही आता है। हेलो एवरीबॉडी, आई वेलकम यू अगेन इन माय यूट्यूब चैनल दैट्स टर्बो क्रेज। हेलो फ्रेंड्स, हम ड्राइव कर रहे हैं अभी ग्रेनाइट एंड न्यूयॉर्क। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ग्रैंड आइट एंड न्यूयॉर्क की जो है ड्राइवेबिलिटी वो कैसी है और कितना माइलेज ये प्रोवाइड करेगी हाईवेज पे। तो अभी हम जा रहे हैं श्रीनगर टू बारामूला हाईवे पे। तो मैं ड्राइव कर रहा हूँ ग्रैंड आइट एंड न्यूयॉर्क का 1.2 VTVT कापा इंजन। अभी जो गाड़ी माइलेज प्रोवाइड कर रही है मैंने रिसेट किया था 20.2। तो अभी हम कुछ किलोमीटर्स की लगातार ड्राइव करेंगे हाईवे पे, तो फिर देखेंगे कि माइलेज कितना इंप्रूव होता है। गाइस, जा रहे हैं श्रीनगर टू बारामूला हाईवे पे। हम ग्रैंड आइट एंड न्यूयॉर्क की ड्राइवेबिलिटी और इसके माइलेज के बारे में आज आपको बताने जा रहे हैं। और ट्रिपल डिजिट स्पीड पे इस गाड़ी की स्टेबिलिटी जो है वो कैसी रहती है और कैबिन के अंदर जो है वो कितना नॉइज आता है, टायर नॉइज, विंड नॉइज और इंजन नॉइज। बने रहे इस वीडियो में, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ये हम चला रहे हैं ग्रैंड आइटन का मैग्ना वेरिएंट। अभी गाड़ी को हमने डाला हुआ है थर्ड गियर में, गाड़ी जो है वो अच्छा पेस ले रही है, अच्छा पिकअप आ रहा है थर्ड गियर में। हैंडलिंग की अगर हम बात करते हैं तो इस गाड़ी की जो स्टेयरिंग है वो काफ़ी लाइट है, काफ़ी लाइट। हम इस गाड़ी को एक हाथ से आराम से चला सकते हैं, जो कि नहीं चलानी चाहिए कभी भी एक हाथ से, मगर दिस इज फॉर रेफरेंस कि इसका स्टीयरिंग व्हील जो है वो काफी लाइट। गाड़ी 80 के स्पीड को क्रॉस करती है तो एक अलार्म आने लगता है, जो कि एक अच्छी बात है। ड्राइवर को ये चीज रियलाइज हो जाती है कि गाड़ी जो है वो 80 की स्पीड को क्रॉस कर गई। अगर हम नॉइज की बात करते हैं, विंड नॉइज, टायर नॉइज और इंजन नॉइज, इंजन नॉइज तो बारह इस गाड़ी में नहीं आ रहा है। इंजन काफ़ी साइलेंट है इस गाड़ी का, रिफाइनड है, मगर जो टायर नॉइज है और जो विंड नॉइज है वो ज़रूर आ रहा है। जब हम 80 की स्पीड को क्रॉस करते हैं, गाइस हम जा रहे हैं हाईवे पे स्पीड
80 को क्रॉस कर गए हैं, विंड नॉइज आ रहा है, टायर नॉइज आ रहा है, गाड़ी को डाला है हमने टॉप गियर में, स्पीड 100 के क्रॉस चली गई है, गाड़ी की स्टेबिलिटी जो है वो अच्छी है, गाड़ी अच्छी ग्रिप बनाती है हायर स्पीड पे। जो कि एक अच्छी बात है, हमने ब्रेक को एंगेज किया, ब्रेकिंग इस गाड़ी की जबरदस्त है, जो बाइट है वो ऊपर ही आता है। अगर हम माइलेज की बात करते हैं, 20.3 स्पीडोमीटर पर माइलेज जो है वो गाड़ी दिखा रही है। गाइस हम जा रहे हैं फोर्थ गियर में, भी स्पीड 80 को क्रॉस कर गई है, गाड़ी की स्टेबिलिटी अच्छी है, गाड़ी जो है वो चिपक के चलती है, थोड़ा बहुत वॉगलिंग जरूर करती है, मगर फिर भी गाड़ी एक अच्छा ग्रिप, अच्छा संतुलन बनाए हुए है हाईवे पे। स्टेयरिंग की फीडबैक की अगर हम बात करते हैं तो स्टेयरिंग लाइट है इसका, थोड़ा बहुत वे अप हो जाता है, बट द फीडबैक ऑफ द स्टेयरिंग कुड हैव बीन लिटिल बिट बेटर एज कम्पेयर टू मारुति सुजुकी स्विफ्ट। दिस कार लैक्स इन स्टेयरिंग फीडबैक। बाकी की जो चीजें हैं वो अच्छी है। स्टेबिलिटी अच्छी है इस गाड़ी की और पिकअप भी काफी अच्छा है। अगर हम फर्स्ट गियर को छोड़ के बात करते हैं, आई मीन फ्रॉम सेकंड गियर एंड ऑनवर्ड्स, द पिकअप ऑफ दिस कार इज गुड। और माइलेज भी गाड़ी जो है वो प्लस 20 प्रोवाइड कर रहे हैं, 20.04। हैंडलिंग कुड हैव बीन बेटर, नॉइज लेवल्स कंट्रोल में है, ब्रेकिंग काफी अच्छी है। और अगर हम ओवरटेकिंग की बात करते हैं तो ओवरटेकिंग में भी ज्यादा दिक्कत आती नहीं, क्योंकि ये 1.2 लीटर का इंजन इस गाड़ी में लगाया हुआ है, तो डेफिनेटली एक ग्रंट है इंजन में। हाईवेज में ड्राइव करना इस गाड़ी को एक ब्रीज बन जाता है, क्योंकि गाड़ी को हम खूब रेव करा सकते, हायर आरपीएम पे भी हम गाड़ी को चला सकते हैं। ओवरटेकिंग की बात करते हैं तो ओवरटेकिंग में ज्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं। थर्ड गियर में हमने गाड़ी को डाला, गाड़ी अच्छा पेस ले रही है, अच्छा पिकअप ले रही है। फोर्थ गियर में डाला, अच्छा रेव कर रही है गाड़ी, झुकना अच्छा पिकअप ले रही है। हायर स्पीड पे चलाना, आई मीन ट्रिपल डिजिट स्पीड पे चलाना इस गाड़ी को एक डिफिकल्ट जॉब है नहीं, और ये गाड़ी को आप ऑकेजनली जो है वो हाईवे ट्रिप्स पे ले जा सकते हैं। अगर हम स्टेयरिंग के हिसाब से देखें तो स्टेयरिंग के हिसाब से ये गाड़ी जो है वो बनी है सिटी ड्राइवर्स के लिए, बट क्योंकि इंजन 1.2 है तो आप इसको ओकेजनली हाईवेज पे भी ले जा सकते हैं।